हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पापा, 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 तुमने पापा को देखा? हमारे पापा देखने वाली चीज हैं। इनके पापा तो पैदा हुए, माँ ने नहीं देखा बाद में। उन जैसे दिखाया गया था ये आपका बच्चा, तो इनकी दादी जो है वो डॉक्टर कहती आई एम सॉरी मेरी ये इंटेंशन नहीं थी। ठीक है, तुम पापा को मत देखो, मुझे देख लो। अच्छा, जब मेन बेस ही खराब है, उसकी शाखाएं, मतलब क्यों इंटरेस्ट लूंगा मैं, कैसे तुम्हें देख लो भी? अच्छा वो या तो वो करके बता, वो जो करती है तू सोसाइटी फंक्शन में, सर ये ऐसे पूरी जीभ निकाल के ना खड़े खड़े ऐसे जमीन में से चिप्स उठा लेती है, कर वो करके दिखा। क्या बात बोल रहे हो तुम? किसकी जीभ इतनी लंबी हो सके? तुम हटो एक सेकंड। हेलो विशाल सर। हेलो रेखा मैम। हाय हाय हाय। तुम बता नहीं सकते थे कि रेखा मैम और विशाल सर आ रहे हैं? तू बड़ी डोनाल्ड ट्रंप की बेटी, तुझे तेरे से पूछ के काम करेंगे हम क्यों बुलाएंगे? अरे लेकिन मैं भी तो तुम्हें घर की सारी बातें बताती हूँ। सारी बातें क्या, एक ही बात रोज बताती हूँ, आज हमारे घर में खाना नहीं बना। ये इसने आज तक नहीं बताया कि मिट्टी का तेल पीती, पता आपको? तुमने कौन सा मेरी मुंह में दिया जलते हुए देखा है? कुछ भी बोलते हो तुम कप्पू, तुम चुप रहो। मैम पता है मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है, बहुत बड़ी, स्पेशली पापा, वो तो आपकी सिंगिंग के पीछे पागल है। सिंगिंग के पीछे तीन वर्ड क्यों लगाए, वो वैसे ही पागल है। तो कप्पू वैसे ही पागल है, नहीं तो कौन डॉक्टर आदमी ऐसे चलता 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 बीच में ऐसे ऐसे करता है? झूठ बोल रही है तुम। मैं सच बोल रही हूँ विशाल सर, वो आपके फिल्मों के बहुत बड़े फैन है, बहुत। वो इसलिए फैन है विशाल सर आपके, उनको लगता है कमीने आपने उनके ऊपर बनाई है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? सच्ची। इधर आके बैठ के बात कर, कैमरा की तरफ बात करते हैं। हाँ और बता। तो गाना तो तुम भी ठीक ठाक गा लेते हो। मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, तू भी करा कर ना कुछ। हाँ मतलब म्यूजिक का शौक मुझे भी है, लेकिन मुझे सही गुरु नहीं मिला पाजी। चल आजा बैठा, कुछ नहीं कहता मैं, आजा। ये जो तुमने गाया ना डार्लिंग, आंखों चार नहीं करेगा तेरी, आंख में उंगली मार के जाएगा वो। ऐसे गाते हैं वो भी इतने सुरीले लोगों के सामने, ऐसा गाना गाएगी? बेइज्जती करवा रही हमारी। अभी जा जाके अंदर अपना काम कर। नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगी, पेशेंट को संभालने के लिए कोई नहीं है। एक तो सुबह से पापा नहीं मिले, पता नहीं बम्पर कहां मर गई है। कहां बम्पर? अच्छा एक्टिंग का मतलब ये नहीं कि एक्टिंग करनी होती, अगर पीना ही था तो पी लेता, इसको फूंक क्या मार रहा है, हमें इतनी दूर से दिख, पी इसको। प्रॉपर कर, प्रॉपर काम करो, कोई काम चोरी नहीं चलेगी इस शो में, करो पियो इसको। ये जूस किसका है? आंवले का मैडम। वो तो मुझे पता है, यहाँ स्टार कौन है? कपिल शर्मा। नमस्ते विशाल जी, नमस्ते रेखा जी। आई एम बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। और तू बात भी कम कर, अंदर जाके अपना काम कर। कब से ढूंढ रही हूँ मैं, तुम कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही थी? हाँ तो गुलछर्रे मेरे हैं, मैं कहीं भी उड़ाऊँ। गुल 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 गिल गिल बिल 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 गुल 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 गिल 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 बिल बिल गौ। ये गलत लिरिक्स हैं। अब मुझे जैसी शक्ल दिखाई देती है उसके हिसाब से लिरिक्स चेंज हो जाते हैं। वैसे भी आपको भी तमीज होनी चाहिए ना, आप एक म्यूजिक लेजेंड से बात कर रही हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, मैंने अपनी एक म्यूजिक कंपनी खोल ली है। जी हाँ, ये हो मुझे पता, तू इधर पेट पे शटर लगा के अपना मॉल भी खोल सकती है। तुम ड्रम जैसी हो, इसका मतलब ये नहीं कि म्यूजिक कंपनी शुरू कर दूं। देखो सरला, तुम भी एक लड़की हो, मैं भी एक लड़की हूँ। आई एम ओरिजिनल, यू आर एन असेंबल्ड पीस। शाबाश, सत्य और अहिंसा। बट एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड कॉमेडी शो। तो आओ दो दो हाथ, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए। पापा, पापा, आओ, पापा, पापा। मैं बताऊं रेखा जी, विशाल जी, आज मुझे आपके आशीर्वाद की सख्त सख्त जरूरत है। प्लीज दीजिए ना आशीर्वाद। क्या आशीर्वाद है? भीख मांग रही है।
नहीं, सख्ती से। शुक्रिया। वैसे एक गायिका की बातें गायिका ही समझ सकती है। हाँ ये तो ये कहना पड़ूंगा सर, ये इतनी मतलब टैलेंटेड है ना, जो छोटा वाला तबला होता ना उसको अचार लगा के खा के जाती है, कई बार देखा मैंने। कपिल शर्मा मैं कब से देख रही हूँ आप मुसलसल बेकार की बातें कर रहे हैं। क्या ये देखा आपने, सुना आपने मैंने किस तरह उधरू भाषा को यूज किया है। मुसलसल उधरू क्या आता है? उधरू भाई। लेकिन रेखा जी देखा आपने? रेखा जी देखा, रेखा जी देखा, देखा रेखा, रेखा देखा, देखा रेखा, देखा देखा रेखा, रेखा देखा, देखा देखिए। मैं कोशिश नहीं भी करती हूँ ना तो भी ऐसी तुकबंदी मेरे से हो जाती है, और टैलेंट इतना भरा हुआ है ना मेरे अंदर कर नहीं पाती। और बाकी आपने देख लिया कि उर्दू भाषा पे कैसी पकड़ है मेरी, बहुत ज्यादा पकड़ है इसकी। मतलब ये तो उर्दू पकड़ती है तो ऐसे कर्स के पकड़ती ना कि उसका धू निकल जाता, उर रह जाता उसका, बहुत पकड़ है इसकी। कपूर शर्मा आप मुझे छोटा मोटा ना समझे क्योंकि वो मैं हूँ। लेकिन संगीत के मामले में बहुत मामले। क्या बात है? उधरू, you don't know any उधरू। संगीत के मामले में मैं बहुत बड़े संगीत के घराने से निकल के आई हूँ। बहुत बड़े घराने से निकल, मतलब छोटे में तो अटक जाएगी तू। पर देखो, तुम बहुत बड़े घराने से निकली, आज अगर चाहो तो तुम्हारे अंदर से तीन घराने निकल सकते हैं। तीन घराने, एक नगाड़ा और फ्लूट तो अनगिनत। पिशाली ये वाला जो ट्रम्पिटर है ये बचता रहेगा, इसे इग्नोर कीजिए, कहने दीजिए। लेकिन रेखा जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जिस तरह क्रिकेट की फैन है ना, उसी तरह मैं भी क्रिकेट की फैन हूँ, और आपकी तरह हर मैच मैं भी स्टेडियम में जाके देखती हूँ। मेरा तो जरूरी है ना, तो स्टेडियम के बिना मैच कैसे होगा। रेखा जी के पास टाइम कहाँ है मैच देखने जाने का? अच्छा तो सिद्धू जी का झूठ बोलते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं ओहो क्या शॉट है, बॉल गई सीमा रेखा के बाहर। अब वहां पे अगर रेखा जी अपनी फ्रेंड सीमा के साथ नहीं बैठी हुई है तो बॉल कौन सी सीमा रेखा के बाहर जा रही है। लेकिन विशाल जी मानना पड़ेगा, सही में आप बहुत लकी हैं, आपकी रेखा कितनी सीधी है। मेरी रेखाएं देखिए सब टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी, पता नहीं कहाँ जा रही है। सीमा रेखा छोड़, तू अपना पेट पकड़, अंधेरी वेस्ट में खड़ी होती है तो दाईं तरफ वाला ईस्ट में जाता है, ठीक रहा कर तू, फिट हो जा। विशाल जी आपने सात खून माफ बनाई थी ना, मुझे बस एक खून माफ करवा दी, एक खून माफ कर, मेरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसे मारना चाहते हैं आओ। तो देख मेरी बात सुन, ऐसे तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, तो काम कर, चाहे थोड़ा थोड़ा शुरू कर, 200-200 ग्राम करके अपने आप को मुंबई के बाहर फेंकना शुरू कर, तेरा कुछ अच्छा होगा, I'm telling you। आपसे तो मैं बाद में निपटती हूँ। वैसे प्रॉब्लम से मुझे याद आया, क्या हुआ था ना कि मैं ऐसे ना सिंगर तो मैं बन गई हूँ काफी उच्च कोटि की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को राइटर नहीं मिल रहे हैं। मैं ना गाना लिखवाना चाह रही थी, मैं गुलजार साहब के पास भी गई थी। अच्छा। पर उनका राइटिंग स्टाइल मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? नहीं, कहने के लिए वो कहते हैं कि इब्न में टूटा बगल में जूता, लेकिन मेरी ओर जो फेंका उन्होंने ना वो बगल में गया नहीं, सीधा फेस पे आगे लगा। क्या बात है, बम्पर छा गई तू। इवन वो टूटा फेस पे जूता, ये वाला तो नहीं लिखा था ना उन्होंने, ये तो चीटिंग हो गई ना। मतलब सुनाओ तो सही, पहले उनको कुछ अपना ऑडिशन ही दे दो, कुछ थोड़ा बहुत, चार इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, दो सुर तो लगा के दिखाओ। वो दीजिए ना, वो सबको देते हैं जो भी है वो। हाँ कुछ भी माइनस प्लस वो वाला वो। ये क्या कर रही है? मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ। प्रेपरेशन भी कोई चीज होती है, आपको आदत नहीं है लगता है उसकी। ये मेरी बात सुनो बाजी, ये ना पक्का किसी कवाल को जिंदा निकल गई है ये। वो तेरे निकल नहीं रहा, वो भी हारमोनियम समेत। ये क्या कर रही हो बम्पर? गला साफ तो करते हैं ना, गाते हैं तो सर करते हैं ना गला साफ। बुलाओ अपने राइटर को, बुलाओ, गला साफ करते हैं। एक मिनट, आप राइटर से मिल लीजिए। राइटर साहब आप आइए जरा।
फिर भी क्या है? इब्ने है बतूता बगल ही में छूता पहने तो करता है चुन। नसीर भाई विशाल जी आदाब, रेखा जी आदाब। आदाब। इस नाचीज को शमशेर नागपुरी कहते हैं। नागपुर से पहले तो संतरे आते थे, ये एक्सीडेंट हुआ, चीकू कहाँ से आ गया? ये यहाँ पे आने से पहले ट्रक के नीचे आए थे साहब। चीकू पिलपिला नहीं है, दबा के देख लीजिए, आज भी कड़क मिलेगा। वैसे विशाल जी, आपने शमशेर नागपुरी का नाम तो सुना ही होगा। जैसे वो बड़े बड़े शायर होते हैं ना, साहिर लुधियानवी, और तो अपने नाम के आगे शहर का नाम इसलिए लगाते हैं ताकि वो अपने शहर के नाम को रोशन कर सकें। ये वाले जो शायर होते हैं ना, ये अपने नाम के आगे इस तरह अपने शहर का नाम लगाते हैं ताकि इन्हें कोई पीट वीट दे और मार मूर के कहीं ऐसे रख दे ना, तो लोग उठा के इनके शहर इन्हें पहुँचा दें, बस इसलिए लगाते हैं, और कुछ नहीं। बस देखिए, तहजीब से बात कीजिए। शट अप। हाँ, ऐसे तमीज से बात करिए। तो आप जरा तहजीब से बात कीजिए। हम गालिब की विरासत से हैं। ओहो, कहाँ गालिब, आप उनके आगे गाली हैं। हमारी लिखाई नहीं, बड़े बड़ों को राह दिखाई है। हाँ नहीं, ये करेक्ट कह रहे हैं। ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं ना हाईवेज के ऊपर, उनके ऊपर जितने होर्डिंग्स हैं उनपे सब इन्होंने ही लिखा है। यहाँ से आगे से दाएं मुड़िए, बदलापुर 200 किलोमीटर आगे, ये सब इन्होंने ही लिखा है। वैसे लिखते क्या आप, शेरो शायरी गजल वगैरह क्या लिखते हैं आप? नहीं 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 मुक्का मारो, अटक गया इनका। नहीं साहब, मैं साहब साहब सुनाइए ना, आप सुनाने क्या आए हैं? अम्मी ने रखा था किताब में एक पुराना नोट, लिखा था दूध वाले को दे देना, तू मत खाना हराम खोर। आई एम जीनियस। ये आपने ये जो अपने पर्सनल लाइफ की ये इंसिडेंट मत सुनाइए हमें। आपने मेरे बारे में कुछ एक प्यार भरा शेर लिखा था ना। हाँ, थूक वाला जी। उसमें लिखा है, खकार के बिना थूकने का मजा नहीं जब तक की आवाज आती नहीं। क्या खत्म हो गया क्या शेर? आप घबराइए मत, आप टेंशन मत लीजिए, राइटर को मैं लेकर आई हूँ तो इनका पेमेंट भी मुझे ही करना होगा। आप आइए ना मेरे साथ, मैं आपका पेमेंट करती हूँ। मैं इनका पेमेंट करती हूँ। ना मत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।